मेरी गाड़ी ऐसी रहनी चाहिए लोग पलट के इसको देखे ही देखे। बिल्कुल येलो पार्ट डाला है ताकि पूरा स्पोर्टी लुक जाए थीम के साथ, ब्लैक एंड येलो के साथ। महंगे महंगे काम करा लिए, क्या हमारा जो एयर बैग है खुलेगा या नहीं खुलेगा? ऊपर की तरफ जैसे कि आप देख पा रहे होगे, दिन में आपको तारे वाली फीलिंग मिलने वाली है। फेड हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं, ये आपका बिल्कुल फेड नहीं होगा क्योंकि दिस वन इज द जापानीज फिल्म। मार्केट में भी आपको दो टाइप की मिलेंगी, जैसे चाइनीज और जापानीज। हम लोग जापानीज फिल्म आपको लगा के देंगे। अगर रही बात वारंटी की, तो हम आपको तब तक आपको वारंटी दे सकते हैं जब तक आप कार के ओनर हो, लाइफ टाइम वारंटी। प्रॉपर तरीके से आप देखोगे सीट्स में साइडों की तरफ प्रॉपर तरीके से कुशनिंग की गई है, ताकि 2014 मॉडल था तो बहुत ज्यादा ही इसकी सीट भी दब चुकी होगी। दब चुकी है। हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 13/13C, ब्लॉक सी रहेगा आपका, एंड रामा रोड नियर जखीरा गोल चक्कर, नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया। मैम एक बार फोन नंबर ही बता दीजिए। इट्स 7271939393। So, hey guys, welcome back to my channel. आज आपको ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूँ, टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे क्या गाड़ी रहने वाली है। तो भाई गाड़ी कुछ ऐसे रहने वाली है, कार्ड सेलिंग पे आज हम आ रखे हैं। हमारे साथ मैम रहने वाली है। मैम पहले तो हेलो कर दीजिए सबको। हाय। हम लोग कार इंटीरियर कस्टमाइजेशन करते हैं। कस्टमाइजेशन में क्या होता है, पूरा इंटीरियर आपका करते हैं, जिसमें एज पर कस्टमर नीड के अकॉर्डिंगली करते हैं, लाइक सीट कवर्स, स्टेयरिंग रैप एंड लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग। अपनी चॉइस से अपने गाड़ी को डिजाइन करवा सकते हो। इसके अलावा हम कार एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन भी करते हैं, जिसके अंदर आप रैपिंग, सिरेमिक कोटिंग, नैनो कोटिंग वगैरह भी करते हैं। उसके बाद हम अलॉयज वगैरह भी करते हैं, एंड इवन ऑडियोज का भी हम काम करते हैं, जैसे स्पीकर्स हैं, स्टीरियो वगैरह चेंज करवाना है, और भी बाकी सारी बहुत सारी चीजों के साथ जुड़े रहिए। तो मैम ने आपको मोटा मोटा समझा दिया होगा, तो गाइस इस गाड़ी का करते हैं वीडियो स्टार्ट। मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट तक देखी, तो आ जाओ। सो गाइस ये आ चुकी है ओनली वन इन इंडिया कार। सब कुछ इसका रैप रहने वाला है। पहले मैं मॉडल जानना चाहूंगा मैम आपसे। ये वर्ना फ्लूरिक है, ऑटोमेटिक 2014। 2014 मॉडल रहने वाला है, और आज की गाड़ी देख लोगे इंटीरियर के मामले में मैम सबको पीछे छोड़ दिया आपने। तो मैं जानना चाहूंगा ए टू जेड से एक्सप्लेन करो क्या क्या इसमें किया आपने। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से। फ्रंट पे स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने रेडिएटर ग्रिल्स का चेंज किया है, जो कि हम लोगों ने पूरा प्यानो फिनिश में भी किया है इसको, आप जैसे देख सकते हो ऊपर भी और नीचे भी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने पूरी की पूरी कार होल कार रैप की है, जिसको हम लोगों ने पूरा स्पोर्टी लुक दिया है येलो एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में, और जो उसकी कंपनी रहेगी रैपिंग की, हमने एवी डेविसन के साथ उसको वो किया है। उसके बाद मैं आपके साथ आती हूँ। एक चीज मैं आपको रोक के पूछना चाहूंगा मैम, ये गाड़ी कौन से कलर की जो स्टॉक थी? ब्लैक ही थी। अच्छा ब्लैक ही थी, इसका कलर डल हो गया होगा। डल हो गया था, बहुत सारे मार्क्स आ गए थे, तो बस
को रैप भी करवाना तो रैप आप देख पा रहे हो भाई, फिनिशिंग आपके सामने है। और ये जो रहने वाले मैम जो आपने स्ट्रिप लगाई है, ये कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है किसी स्पोर्ट्स कार से इंस्पायर है, मस्टैंग से इंस्पायर रहने वाली है। तो भाई लुक आपके सामने रहने वाली है, हम एक बार पीछे तक भी चलते हैं। और मैं अलॉय भी देख पा रहा हूँ मैम, अलॉय पे भी ट्रीटमेंट चेंज किए हैं, अलॉयज हम लोगों ने चेंज किए हैं। उसके बाद एज पर द कस्टमर चॉइस उसको पूरा स्पोर्टी लुक देने के लिए अलॉयज के अंदर भी हम लोगों ने येलो पार्ट डाला है, ताकि पूरा स्पोर्टी लुक जो है थीम के साथ ब्लैक एंड येलो के साथ। तो हमारे जो अंदर से रिम भी रहने वाले येलो के साथ, मतलब अंदर से लेके बाहर तक गाड़ी मैचिंग मैचिंग अपनी है, पूरी येलो मतलब पूरा स्पोर्ट्स लुक के साथ है। तो पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हो, पीछे से भी आपने देख ली, आगे से भी आपने देख ली मैम, एक्सटीरियर में और क्या क्या रहने वाले अपना? अब मेन चीज जो अंदर खजाना आप लोगों ने कर रखा है उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि अंदर मैं देख पा रहा हूँ और लोग भी बहुत सारे देख पा रहे हो कि अंदर इतना सारा कर रखा है। मैम मैं कलर की तरफ जानना चाहूंगा, कलर क्या कस्टमर चॉइस थी? कस्टमर चॉइस है फुली, क्योंकि हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया था, कस्टमर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, टेस्ट के अकॉर्डिंगली वो पूरी कार हम लोगों से मॉडिफाई करवाते हैं, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर। तो हमने कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली पूरी कार उनकी मॉडिफाई की। सो गाइस कलर तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब हम बात करते हैं मैम इंटीरियर में क्या कुछ रहने वाला है। कलर तो मैं कहूंगा मैम जो भी गाड़ी को देखेगा वो एकदम पीछे पलट के देखेगा। तो मैम यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये अपना लेदर नहीं रहने वाला है। डोर के अंदर हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट फिल की कोटिंग की है, कोई लेदर नहीं लगाया है, क्योंकि लेदर लगाने पे आपको क्या होता है कि जिस पार्ट पे कंपनी से लेदर नहीं आया उस पे लेदर लगाने से क्या होता है कि कुछ टाइम बाद कपड़ा सुकड़ के निकल जाता है। और आपने देखा होगा कि आप इसकी गैपिंग देख सकते हो, गैपिंग बहुत माइनर रहती है, तो हम इस पे कपड़ा नहीं लगा सकते हैं, वरना प्रॉपर तरीके से आपके इसकी फिटिंग नहीं आती है। एंड उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने डोर हैंडल्स पे पियानो फिनिश किया है हाई ग्लॉस, एंड पावर विंडोज हम लोगों ने हाइड्रोग्राफिक प्रिंटिंग के अंदर दिया है, कार्बन फाइबर रहने एग्जैक्टली। और डोर को हम लोगों ने ड्यूअल टोन में इस तरीके से बनाया कि पूरा स्पोर्टी लुक है, कस्टमर को पूरा फील आए कि यस वन ऑफ द बेस्ट कार है। मेरी गाड़ी ऐसी रहनी चाहिए लोग पलट के इसको देखे ही देखे। एक बार मैं आपको पास से फिनिशिंग दिखा दूं, एकदम मैम इसको छू के भी देख रहा हूँ तो नॉर्मल जो गत्ता होता है फिर डोर पैनल होता है उसमें क्या होता है कि खुदरापन होता है, इसमें खुदरापन भी जा चुका है पूरा, क्योंकि कस्टमर की गाड़ी 2014 मॉडल था तो बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी, तो प्रॉपर तरीके से उसको कवर अप करने के लिए हम लोगों ने पूरी फिनिश न्यू जैसे आपको दी है। बिफोर लुक तो आपने देख ली होगी। सो गाइस डोर पैनल तो हमने आपको कवर करा दिया मैम, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज जो उसका अट्रैक्शन कहना चाहूंगा, जो सब कुछ अलग लग रहा है, इंटीरियर तो लग रहा है अलग बट अपने सीट्स जो रहने वाले वो अलग ही लेवल के रहने वाले। मैं देख पा रहा हूँ सीट पूरी चेंज रहने वाली, इसमें आपने कुशनिंग ऐड करी है, पैडिंग ऐड करी या फिर पूरी सीट ही चेंज कर दी? हम लोगों ने फ्रंट की दोनों सीट्स चेंज की है, हम लोगों ने इसमें स्पोर्ट्स सीट्स लगाई है और स्पोर्ट्स सीट्स भी अच्छी क्वालिटी वाली है। जैसे कि मार्केट में टू टाइप्स की सीट्स आती है, मेड इन चाइना एंड मेड इन थाईलैंड, मेड इन थाईलैंड वाली हम लोगों ने इसके अंदर लगाई है। एंड उसके अंदर आप देखोगे बेसिकली प्रॉपर तरीके से ये थाई सपोर्ट भी है, एंड इवन सर ये थाई सपोर्ट आप किसी भी कार के अंदर लगवा सकते हो, एंड एक्स्ट्रा कुशनिंग भी सीट्स के अंदर दे रखी है ड्यूअल कॉम्बिनेशन के साथ, पूरा स्पोर्टी लुक के साथ दिया हम लोगों ने सीट, विद परफोरेशन भी दिया है ताकि सीट्स पे और डिजाइनिंग अच्छी लग सके। तो बेसिकली सर की जो चॉइस थी, जिन सर की गाड़ी है ब्लैक और येलो का, मेरे को कहा कि गाड़ी भी ब्लैक है अपनी तो ब्लैक सबके, मतलब बहुत सोच समझ के कलर किया सर ने। कार्बन फाइबर में देख पा रहा हूँ मैम, ब्लैक तो नहीं है, येलो का टच दे रहा है। क्योंकि एज पर द थीम के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कार्बन फाइबर के अंदर भी येलो टच दिया है ताकि पूरा वो इंटीरियर से मैच हो सके। सीट का मैम ने तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैम मैं नीचे की तरफ भी देख पा रहा हूँ अपना कोई पार्ट जोड़ा नहीं है। नहीं, हम लोगों ने पूरी कार को मॉडिफाई किया है एज पर द थीम। आप देखोगे इसके अंदर हम लोगों ने 70 मैट्स लगाए हैं, वो भी हम लोगों ने ब्लैक के साथ अपना येलो का टच दिया, येलो का टच दिया है ताकि प्रॉपर तरीके से कस्टमर को वाओ जैसी फीलिंग आए कि यस पूरी थीम के अकॉर्डिंगली गाड़ी उसके चल रही है। तो यहाँ पे स्टीयरिंग की भी बात करते हैं मैम, मैं देख पा रहा हूँ स्टीयरिंग का ये रैप रहने वाला है। हाँ स्टीयरिंग हम लोगों ने रैप किया है बट इसमें जो येलो के टच का कार्बन फाइबर रहने वाला है वो अल्टीमेट लग रहा है, मैं खुद भी बताना चाहूंगा। अगर आपको कहीं भी रोड पे गाड़ी दिखेगी तो मैम ने पूरा एकदम इसको पूरा कस्टमाइज किया है। मैं पूरी चीज बात करना चाहूंगा, यहाँ पे हमारा रेगुलर हाथ लगता है तो कार्बन फाइबर जो हमने कर रखा है येलो टच का, वो कहीं फेड हो जाएगा या नहीं होगा? ये आपका बिल्कुल फेड नहीं होगा क्योंकि दिस वन इज द जापानीज फिल्म, मार्केट में भी आपको दो टाइप की मिलेंगी जैसे चाइनीज और जापानीज,
हम लोग जापानीज फिल्म आपको लगा के देंगे। अगर रही बात वारंटी की तो हम आपको तब तक आपको वारंटी दे सकते हैं जब तक आप कार के ओनर हो, लाइफ टाइम वारंटी आपने, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है स्टीयरिंग। मैम ये तो हमने बात कर ली फेड वगैरह की, लाइफ टाइम की वारंटी। अगर मैं कपड़ा पूछना चाहूँ तो इसमें कौन सा कपड़ा यूज किया गया? इसके अंदर प्योर नापा लेदर का स्टीयरिंग लगाया है, क्योंकि स्टीयरिंग आपका रेगुलर यूज के अंदर है। एंड आप देखोगे पूरा स्पोर्टी लुक के साथ दिया है। और इसके थ्रेडवर्क पे जाओगे तो थ्रेडवर्क देखो येलो एंड द ब्लैक, ये टोटली हैंड स्टिच्ड है। येलो पार्ट पे आपको ब्लैक थ्रेड नजर आ रहा होगा एंड द ब्लैक पार्ट पे येलो, ये पूरा का पूरा स्पोर्टी लुक के साथ दिया हुआ है पूरा स्टीयरिंग। जैसा कि आपने नोटिस भी कर लिया होगा, अब चलते हैं मैम डैशबोर्ड की तरफ, जो उसकी जान और आन रहने वाला है, क्योंकि यहीं से चमक रहा है सब कुछ। आप यहाँ से बैठिए, मैं वहां से आता हूँ। तो यहाँ से भी आपको दिखाऊं तो डोर पैनल कुछ ऐसा रहने वाला है। अब चलते हैं अंदर के साइड, और अंदर आपका भाई बैठ चुका है। तो फर्स्ट चीज आपको जो एसी वेंट्स में मैम ये सारे कार्बन फाइबर जो येलो के टच के साथ रहने वाले हैं। हाँ जी, हम लोगों ने पूरा ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी ही एज पर थीम के अकॉर्डिंगली गए हैं। कार्बन फ्रिश ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, येलो के टच के साथ हम लोगों ने इसको दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो गियर का पूरा पैनल किया गया है। अगर नेक्स्ट चीज पूछना चाहूँ मैम, ये पार्ट तो मैं देख पा रहा हूँ, लेदर सॉफ्ट फील्ड कोटिंग जो आपने करी, इसकी कब तक वारंटी मिलती है हमको? So, देखो इट जस्ट लाइक योर आउटर बॉडी। आउटर बॉडी पे आप अगर कार परचेज करते हो, आप देखोगे कि अगर आप नॉर्मल यूज करते हो, नॉर्मल कपड़ा मारते हो तो उसपे कुछ नहीं होता। यही आप चाबी से स्क्रैच करोगे तो अच्छा अच्छा वो तो हम खुद ही डैमेज कर रहे हैं, एग्जैक्टली डैमेज हो जाएगा। तो ये आप नॉर्मल, अगर आप इसकी वारंटी मुझसे पूछोगे तो 2 इयर्स की हम आपको इसकी वारंटी देते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 इयर्स बाद खराब हो जाएगा, नहीं। इन केस अगर आपसे कुछ डैमेज हो जाता है या कुछ भी लग जाता है तो हम उस पार्ट को फिर से लेदर सॉफ्ट कोटिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं छू पा रहा हूँ तो मैम, जैसे मैंने डोर पैनल में भी आपको बताया था कि वो सॉफ्ट हो चुका है डोर पैनल, ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अगर मैं नेक्स्ट चीज पूछना चाहूँ मैम, ये वाला पैनल अपना बहुत, ये तो इससे भी सॉफ्ट रहने वाला है। सर ये स्पीडोमीटर जो पैनल है, हम लोगों ने उसको हाई ग्लॉस फिनिश किया है पियानो ब्लैक में, प्रॉपर तरीके से आप देखोगे इसकी फिनिशिंग बहुत प्रॉपर तरीके से है। अगर एक बार मैं आपको पास से भी दिखाऊं, डेफिनेटली आपको एडजस्ट हो पा रहा होगा। और स्मूथनेस मुझसे पूछोगे तो भाई, जितना ये स्मूथ है उससे 5 times ज्यादा स्मूथ रहने वाला है। दिस वन ग्लॉस फिनिश में किया हुआ है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ किया हुआ है। और अगर मैं सीट की बात करूं, और सीट जो इसमें स्पोर्ट टाइप लगाई गई है, इसमें अपना ग्लव बॉक्स भी पूरा कवर किया गया, और नीचे ग्लव बॉक्स के साथ हम लोगों ने पूरा कंसोल वगैरह भी इसका कवर किया हुआ है। पूरा कंसोल आपका ड्यूअल कॉम्बिनेशन के साथ किया है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, येलो के साथ पूरी जगह, सारी जगह प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट फील कोटिंग की गई है लेदर वाली। पूरा अपना ग्लव बॉक्स पूरा कवर रहने वाला है। अगर आपको मैं सीट बताना चाहूँ तो भाई सीट कैसी रहने वाली है? भाई नॉर्मल सीट से मैं कहना चाहूंगा जमीन आसमान का डिफरेंस रहने वाला है। कहीं ना कहीं भाई अगर आप मस्टैंग जैसी गाड़ी या फिर किसी स्पोर्ट्स कार में बैठे हो तो सेम टू सेम वही फीलिंग आ रही है फ्रंट अपनी दोनों सीट में। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि थाई सपोर्ट काफी बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने गाड़ी वरना देख रखी और बैठ भी रखा, उसमें इतना थाई सपोर्ट नहीं था, बट काफी कंफर्टेबल हो चुकी है सीट। और जब आप स्पीड में चलाओगे 100+ 150+ चलाओगे तो काफी अच्छा आपको रहेगा। जकड़न जो हो जाती है ना सीट के साथ, वो आपको नॉर्मल सीट ही नहीं दे पाती, वो डेफिनेटली आपको स्पोर्ट्स जो सीटें होती है वो दे पाती है। एक चीज मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे अपना एयर बैग लिखा है, क्या ये जो एयर बैग है, बहुत लोग के मन में डाउट होता है कि यार हमने इतना महंगे महंगे काम करा लिया, क्या हमारा जो एयर बैग है खुलेगा या नहीं खुलेगा? मैं आपको फिर से बताऊंगी कि हम लोगों ने इसके ऊपर लेदर सॉफ्ट फिल की कोटिंग की है, लेदर नहीं चढ़ाया, लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग की है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ पेंट आप कह सकते हो, तो आपका लेदर नहीं है तो एयर बैग आपका बिल्कुल खुलेगा ही खुलेगा। अच्छा, बेसिकली मतलब एयर बैग में कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी, बिल्कुल किसी काम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली एयर बैग। अब हम साइड पिलर की बात करें तो यहाँ पे भी लेदर नहीं लगाया गया, यहाँ पे अपनी कोटिंग करी गई है, लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग की गई है प्रॉपर तरीके से, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका रहे, क्योंकि लेदर लगाते तो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ पाती, यानी लॉक्स में बैठता नहीं आपका पिलर, खड़खड़ गाड़ी में पूरी गाड़ी में आवाज आती। एक बार मैं आपको पास से भी दिखाऊं फिनिशिंग, जैसा कि आप देख पा रहे होगे भाई, फिनिशिंग डैशबोर्ड की फिनिशिंग भी आपको दिखाऊं ना, कार्बन फाइबर जैसा कि आप देख भी पा रहे होगे, फ्रंट की तो हमने बात कर ली, अब रियर की तरफ चलते हैं। मैम एक बार आप अंदर बैठ जाइए, प्रॉपर तरीके से आप देखोगे सीट्स में साइडों की तरफ प्रॉपर तरीके से कुशनिंग की गई है, ताकि
2014 मॉडल था तो बहुत ज्यादा ही इसकी सीट भी दब चुकी होगी एग्जैक्टली उसके लिए ही हम लोगों ने इसके अंदर प्रॉपर तरीके से कुशनिंग की है वो जो मेमोरी फोम रहने वाला अपना एग्जैक्टली ताकि प्रॉपर तरीके से इसमें फील आ सके आपको बिल्कुल न्यू जैसी। मैम हमने कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा फोमिंग यूज करी है? हम लोगों ने सेंटर में आपका यूज किया है एक्स्ट्रा फोमिंग, इवन सेंटर में भी यूज किए। अच्छा, यहाँ पे पार्ट भी यूज किए ताकि कंफर्ट यहीं से बैठने में आए, प्रॉपर तरीके से कस्टमर को कंफर्ट आएगा, किसी चीज को लेके कोई इशू नहीं आया कि नहीं कस्टमर कंफर्ट फील नहीं हो रहा, नहीं प्रॉपर तरीके से कुशनिंग से कस्टमर को प्रॉपर फील आया। तो एक बार मैं आपको डोर पैनल भी दिखा दूं, तो सिमिलर ही अपना जैसा कि आपने फ्रंट में भी देखा होगा वैसा ही रहने वाला है। यहाँ अपना कार्बन फाइबर का टच, यहाँ अपना ड्यूल टोन में ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन, यहाँ अपना सॉफ्ट टच फील कोटिंग रहने वाली है। और यहाँ पे बात करूँ अपनी जो स्पोर्ट्स सीटें हैं मेड इन थाईलैंड, पीछे से कुछ ऐसी रहने वाली है। और अपना रियर में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पूरा कवर किया गया, बिल्कुल अल्टीमेट लग रहा है। नेक्स्ट चीज की बात करें तो गाड़ी में अपनी रूफ पूरी कवर की गई है मैम ने, और गाड़ी को स्पेशली रॉल्स रॉयस से इंस्पायर होकर स्टारलाइट दी गई है। हम लोगों ने बेसिकली रूफ इसके ब्लैक टोन में की है क्योंकि थीम एग्जैक्टली जैसे हमारा था ब्लैक एंड येलो थीम के अंदर, और इसके अंदर हम लोगों ने मल्टी कलर स्टारलाइट लगाई है जो आगे चल में दिखाने वाले मैम। तो आगे चलते हैं, गाड़ी ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जो इसमें दिन में तारे आप देख सकते। सुकेश फाइनली हम अंदर के साइड आ चुके, आपको दिखाता हूँ रूफ में जो अपनी स्टारलाइट रहने वाली है। मैम एक बार इग्निशन ऑन करो ऊपर की तरफ, जैसे कि आप देख पा रहे होगे दिन में आपको तारे वाली फीलिंग मिलने वाली है। पीछे तक आपको मैं पूरा दिखाऊं तो जहां तक अपनी रूफ रहने वाली है वहां तक पूरा कवर किया गया। मैम ये तो दिन में तारे हमने दिखा दिए, किसी का मन है कि दिन में तारे हमने नहीं देखने तो वो क्या कर सकता है? सर ये बेसिकली आपके एक ऐप के थ्रू, बेसिकली हम लोगों ने इसमें कोई रिमोट वाला सिस्टम नहीं है क्योंकि आपको पता है ये रिमोट खो गया है, सेल वीक हो गए हैं, रिमोट छोटा सा झंझट बहुत सारे झंझट होते हैं। फोन आपका हमेशा हैंडी रहता है तो फोन के थ्रू आप इसके अंदर ऐप इंस्टॉल करके इसको पूरा यूज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से आपको वो करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक बार मैम आपको ऐप भी दिखा रही है, ये ऐप है जिसके थ्रू आप चाहो तो देखो इसको ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे अपनी यहाँ पे ऑफ हो गई है, ऑन कीजिए मैम। ये मैंने फिर से ऑन किया तो कलर्स हो गए। इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर चाहिए, फंक्शंस आप देख सकते हो कि आपको 7 कलर्स का चाहिए या सिर्फ रेड कलर का चाहिए। अब देखो सिर्फ रेड कलर ही आपका इसके अंदर चेंज हो रहा है। हम कलर चेंज कीजिए एक बार, ग्रीन ब्लू येलो। तो मतलब ऐप के थ्रू आप सारे एक्सेस कर सकते हो, ऐप के थ्रू आप सारा एक्सेस कर सकते हो कि हाँ भाई किसके थ्रू, एंड इवन आप म्यूजिक के साथ भी इसको डाल सकते हो कि अगर... अच्छा मतलब जैसे म्यूजिक चलेगा वैसे उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली तो आपसे भी कर सकते हो। तो भाई काफी सारे फीचर इसमें आपको मिलने वाले हैं। सो गाइस जैसा कि आपने सब कुछ देखोगा मैम, मैं वर्ड नहीं है मेरे पास को बताने के लिए, ये इंटीरियर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और अल्टीमेट है। अब मैं बात करूँ डैशबोर्ड की, मैं बात करूँ सीट की, मैं बात करूँ रैप की, मस्टैंग वाला इंस्पायर लुक ले रहा है, मैं बात करूँ स्टार लाइट की जो रॉल्स रॉयस वाली फीलिंग दे रही है, भाई सब कुछ एक नंबर है। बाकी आपने बताया मैम ये सब कुछ हमने दिखा दिया ओवरऑल के लिए, अब मुद्दे की बात आती है भाई, इतना सब करा लिया ये तो बंदा शौकिया था। अगर कोई बंदा इतना भी शौकिया नहीं है, मतलब चाहता है कि मैं अपनी गाड़ी जो मैंने करा रखी है अब मैं अपग्रेड चाहता हूं, तो क्या कॉस्टिंग रहने वाली है उसकी? सर इंटीरियर की जो स्टार्टिंग है वो आपका अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग जो स्टार्टअप होती है किसी भी इंटीरियर के लिए वो 10-15 से स्टार्ट होती है। उसके बाद कस्टमर की चॉइस है कि वो क्या क्या वर्क करवाना चाहता है क्योंकि वर्क के अकॉर्डिंगली ही हमारी कॉस्टिंग आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डैशबोर्ड को ले लो, अगर कस्टमर ने बोला कि उस पर मेरे को प्योर लेदर चाहिए तो उसका कॉस्ट अलग जाएगा, उस पर अगर लेदर सॉफ्ट फील मांगेगा तो उसका कॉस्ट अलग जाएगा, एंड अगर उस पर वुडन लेता है तो उसका कॉस्ट अलग। तो इट मैटर्स कि जब कस्टमर यहाँ आएगा अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, हम उसको ओवरऑल जब सारी चीज़ें दिखाएंगे उसके अकॉर्डिंगली ही फिर उसकी कॉस्ट जाएगी। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं कह सकती मैं आपको। तो मैम का कहने का ये मतलब है, बेसिकली मैं आपको समझा दूं, मैम कह रही है ये जो इंटीरियर है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है भाई। कुछ का टेस्ट है यार मेरे को पसंद नहीं आया तो उसके लिए इंटीरियर रहने वाला नहीं है, कुछ का टेस्ट है कि मेरे को इतना हाई एंड नहीं चाहिए, मेरे को डिसेंट चाहिए, मेरी गाड़ी ठीक ठाक लगे बस। एग्जैक्टली तो सबकी यार नीड अलग अलग रहने वाली है, सबका टेस्ट अलग अलग रहने वाला है, किसी को येलो पसंद आएगा किसी को येलो पसंद आएगा, सबका चॉइस अलग है। तो इसमें जो कपड़ा लगाता है वो कौन सा लेदर रहने वाला है?
सो इसके अंदर हम लोगों ने दो टाइप के आपके कपड़े यूज किए थे, फर्स्ट इज नापा लेदर एंड सेकंड इज टर्किश लेदर। ये तो आपने बता दिया दो वैरायटी, इसके अलावा क्या क्या वैरायटी आप लोग के पास रहने वाली है? सर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा शेड बुक है, इसके अंदर आप देखोगे नापा लेदर भी है, टर्किश लेदर भी है, डिजाइनर लेदर भी है एंड इवन रशियन लेदर भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा भी बहुत सारी वेराइटीज हमारे पास है कि कस्टमर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली चूज कर सकता है कि उसको प्लेन चाहिए, रफ चाहिए या कैसा। हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 13/13C, ब्लॉक सी रहेगा आपका, एंड रामा रोड नियर जखीरा गोल चक्कर नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया। मैम एक बार फोन नंबर बता दीजिए। इट्स 7271939393। 7271939393। तो भाई एकदम याद करने का नंबर रहने वाला है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा विद गूगल लिंक। तो भाई जैसे आपने गूगल लिंक को फॉलो कर लिया डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुंचोगे। अगर आपको मैम से बात करनी है, मैम से कुछ भी इंटीरियर कस्टमाइजेशन के ऊपर बात करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैम का नंबर मिल जाएगा। बट मेरे साइड से रिकमेंड रहने वाला है कि इंटीरियर एक ऐसी चीज है जिसमें आप बात करके हो नहीं सकती, बात करके आप इतना बता नहीं पाएंगे जितना आप यहाँ पे आके विजिट करके आपको पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे आके कस्टमर बेसिकली सारी वैरायटीज देखेगा, सारा सब कुछ देखेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही मैं उनको सजेस्ट कर पाऊंगी कि सर आप किस तरीके की एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग आपको इंटीरियर आपका कस्टमाइज हो जाएगा। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी प्लीज लाइक करें बिना मत जाना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो यहाँ तक वीडियो देखिए सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं किया तो दोस्त फैमिली मेंबर सबको फैला दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी आपको आज की वीडियो। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैम हम लोग ना बाय करते तो ऐसे करते हैं ठीक है? ओके तो आप करना। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैम बाय।